उनके पिता तो बुजुर्ग होंगे और इनोसेंट आदमी होंगे, तो ऐसे लोग को अगर चलता है तो ये भी देखना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या है या इसके सर बेटा वाला जो है की हत्या को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत से हमारे पत्रकार मित्र आए हैं और बात पूछ रहे हैं। कोई भी घटना और खास करके राजनेता के पिता की हत्या दुखद है, खेदजनक बात है, जिसके लिए सरकार कड़ी से कार्रवाई करे, जांच करके और आगे कोई इस तरह की घटना न हो ये सुव्यवस्था करे, लेकिन जांच निश्चित हो कि आखिर उनके पिता की हत्या का क्या कारण हो सकता है। अगर राजनीति में हम लोग रहते हैं तो हम लोग किसी का भला होगा की बात को निकाल करते हैं, तो उनके पिता तो बुजुर्ग होंगे और इनोसेंट आदमी होंगे, तो ऐसे लोग को अगर करता है तो ये भी देखना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या है या इसके बारे में क्या मामला है। सब बात को देख करके और तेजस्वी का हमेशा बयान आ रहा है कि जंगल राज हम लोग में बताते हैं, तो अभी कौन सा राज है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को जंगल राज के बारे में, लालू जी को जंगल राज के बारे में कहने का कोई हक नहीं। हम लोग उस क्लाइमेट पर नहीं आए हैं जिस क्लाइमेट पर हम लोग थे। आज हुई है तो हम कह रहे हैं ना कि उसकी जाँच होनी चाहिए या उसे कार्रवाई होनी चाहिए, और उस समय आवश्यक कार्रवाई होती थी, चाहे अपहरण हो चाहे हत्या हो, वो सबका मामला ये करने वाले ये देकर के लिया जाता है। कोई स्थिति अभी नहीं आई, तो अगर वो करते हैं तो हम सोचते हैं कि बेमानी है, ऐसा नहीं उनको कर सकता, अपने गिरिवा में उनको ठीक।